टोक्यो ओलंपिक 41 साल बाद भारतीय हाकी टीम ने मैडल जितया है। इस तो पहला भारत ने 1980 मास्को ओलंपिक गोल्ड मैडल जितया सी। भारतीय हाकी टीम ने जर्मनी नू 5-4 दे फर्क नाल हरा के कांसी दा तगमा जितया है, जिसकी खुशी जाहिर करदे आ प्रगट सिंह का कहना है कि हाकी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने खुशी है कि आने वाले दिनों में होर सुधार खेड सहूलतों में होगा, जिस दे नाल खिडारी होर चंगा प्रदर्शन कर सकणगे। उदे विच बजट बड़े घट हैगे, फैसिलिटीज उन्नियां नहीं हैगियां, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्ना नहीं हैगा, बट उदे बावजूद भी जिहड़ा इस लैवल नूं अचीव करना, क्योंकि पहलियां चार टीमां दे विच आउणा और उदे तो बाद मैडल जिहड़ा वो लैके आउणा, मेरा ख्याल है क्रेडिटेबल हैगा। क्योंकि जदों दी भी हाकी दी गल साढ़े हिंदुस्तान च चलदी आ ते उदों हमेशा एक गल सामने आउंदी आ भी हाँ भी असीं क्योंकि 9 गोल्ड मैडल जिते आ ते असीं मैडल तो घट जिहड़ा आ उह साडी संतुष्टी नहीं हुंदी। पर यह है कि हुण समा बदल गया, वर्ल्ड ने भी बहुत चेंजेस लैके आंदियां हैगियां, यूरोपियन टीमां बहुत चेंज हुईयां, हॉकी स्पीड बड़ी आई हैगी आ, बट उन्हां फैसिलिटीज़ के बावजूद भी असी इस लैवल नूं अचीव किया, मैनूं लगता कि यह बड़ी खुशी और माण वाली गल हैगी। कताई की गल नहीं है, साडियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ है, साडा जिहड़ा बजट है वो बहुत घट हैगा, क्योंकि नॉर्मली जिहड़े चंगे कंट्रीज़ हैगे आ वह अपने टोटल 10-12% या 15% टोटल बजट जिहड़ा वो ह्यूमन रिसोर्सिज एंड डिवेलपमेंट लई रखदे हैगे आ, जबकि साडा बहुत ही उस मुकाबले ईवन 0.0007% मीनस 1,000 रुपये पिछे 7 पैसे असी इस फील्ड ते लाउणे हैगे आ। सो मैनू लगता कि सानू सरकारां नू सूबियां दियां नू भी और देश दियां सरकारां नू भी इहदे वल ध्यान देना चाहिए, तां कि असी जिहड़ा यंग जनरेशन है साडी उहनू शेप अप करके उहनू हैल्दी बना सकीए और उहनू चंगे पासे नू जिहड़ी एनर्जी नू चैनलाइज कर सकीए। हां जी, आपका नाम दस्सो। मनजीत कौर। मनजीत जी, अज 41 साल बाद टीम इंडिया मैच जित्ती, की कहना चाहोगे? साडे हॉकी फैटर्निटी वास्ते तां इह बहुत प्राउड मूवमेंट है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई सानू। अज असी पूरा मैच देखा, बच्चे बड़े और 3-3-1 तो लूज करने तो बाद भी बच्चों ने मैच जितया, बहुत कॉन्फिडेंस नाल खेले, तो साढ़े वास्ते तो यह बहुत प्राउड मूवमेंट है। मैम उम्मीद सी, क्योंकि पहले उम्मीदा तो सबने जगाई कि गोल्ड मैडल तक जरूर पहुंचेगी, फाइनल तक जरूर पहुंचेगी टीम इंडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली असी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ब्रॉन्ज तो असी नहीं। सानू तो अपने बीइंग हॉकी कोचिज सानू तो पूरी उम्मीद सी भी टीम साड़ी एटलीस्ट चलो फाइनल नहीं हार लग रहा, ब्रॉन्ज मैडल तो जरूर लेके आएगी। हाँ जी, तो साड़ी टीम साड़े कॉन्फिडेंस से भी खरे उतरे हो भी। मैम कल एक होर हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। हाँ जी, वीमेंस हॉकी टीम भी जड़ी है वो ब्रॉन्ज मैडल ही खेल रही है। हाँ जी, ग्रेट ब्रिटेन नाल। हाँ जी, किन्नियां उम्मीदां तुहानू लगदियां? मैनूं तां पूरी उम्मीद है जी साड़ी लड़कियां भी ब्रॉन्ज मैडल जरूर लेके आउणगियां, और साड़ियां बेस्ट विशेज है मेरी टीम वास्ते, मेरे हिसाब नाल बिल्कुल लड़कियां दे बराबर वो ब्रॉन्ज मैडल लेके आउणगे। हम चंडीगढ़ दे तो भी 3 खिडारन हैगियां, केड़ी-केड़ी हैगियां ते किन्नी देर उन्होंने इत्थे प्रैक्टिस कीती है? दो मोनिका मलिक है और रीना खोखर है, वो तो 2007 विच इत्थे जॉइन कर गईयां सी, 2012 तक रहियां ने, तो उस तो बाद शर्मिला 2012 च आई है इत्थे। हां जी मैम, कौन बेस्ट प्लेयर है तुहाडे हिसाब तों? देखो मेरे वास्ते तो सारिया बेस्ट, जो ओलंपिक विच बच्चा जा रहा है तो वह बेस्ट ही होएगा, और मोनिका मलिक क्योंकि काफ़ी साल तो इंटरनेशनल लैवल पर खेल रही है, बहुत सेंसिबल प्लेयर है और उन्हें पता है भी डिफेंस किमें मैं टैकल करना किमें है, बहुत सेंसिबल प्लेयर है और वो बहुत अच्छा खेल रही है इस टाइम। हाँ जी, गुरमिंदर सिंह जी। गुरमिंदर जी, आज 41 साल बाद टीम इंडिया ने इतिहास रचा है, उम्मीदा सी? हाँ जी, बहुत उम्मीद सी जी, जिस हिसाब न पिछले कोई 3-4 साल तो टीम का प्रैक्टिस चल रही थी, फिजिकल फिटनेस से वर्क हो रहा, स्किल से वर्क हो रहा है, इवन कि कोरोना के भी 1.5 साल तो कैंप कंटिन्यू बैंगलोर विखे लगे रहे जी। चंडीगढ़ तो भी 2 खिलाड़ी थे, गुरजंत सिंह। हाँ जी, हाँ जी, किस तरीके ना खेले? बहुत अच्छी गल है जी कि रुपिंद्रपाल सिंह एक मच्योर प्लेयर है जी, जिस तरह आप कह दें कि भी सीनियर प्लेयर सी टीम के, उन्हें अपनी जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी वधिया निभाई है, पलंटी कॉरन तो भी गोल किए, पलंटी स्टोक तो भी गोल किए हैं, तो गुरजंत सिंह
फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेल रहे फॉरलैंड दे विच उसने बहुत वधिया अपना रोल अदा किया जी। कल फिर हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है मे बी पॉसिबल तो होनी चाहिए जी। लड़कियों के साढ़िया इतने दो लड़कियां साढ़िया इतों गई जी तो ये भी फस्ट टाइम सगा कि फस्ट टाइम इंडिया की टीम सैमीफाइनल पहुंची है। उस तो भी वड्डी गल यह है कि कल जो भी मैच होना है वो संभावना हैगी है कि इंडिया टीम ब्रोंज मैडल घट्टो घट जरूर प्राप्त करे जी। नहीं ये देखो ओलंपिक्स दे विच पार्टिसिपेट करना बहुत ही माण वाली वाली गल हैगी है। ड्रीम हुंदा हैगा प्लेयर दा, उस तो भी वड्डा ड्रीम हुंदा है और माण वाली गल है कि मैडल जितना ओलंपिक्स दे विच। तो यह साडे लई बहुत ही प्राउड मूमेंट है, बहुत ही खुशी वाली गल है सारे इंडियंस दे लई और सारे असी प्लेयर्स नू उहनां दी फैमिलीज नू उहनां दे कोचिज नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्हें भी स्टेक होल्डर ने सारियां नू कॉन्ग्रेजुलेट करते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के बिहाफ से। तो उन्होंने मतलब सानू इतिहासिक पल देने उन्होंने मुबारकबाद के पात्र ने और 40 साल बाद सानू दिन देखने को मिले। साढ़े टोटल 5 ओलंपिक खेल रहे, वो तो ज़्यादा है। हॉकी की जो गल करिए 5 प्लेयर, 2 इंडियन बॉय वुमेन्स स्क्वैड के रुपिंदर सिंह ते गुरजंट सिंह चंडीगढ़ हॉकी अकैडमी विच अपने अपनी प्रैक्टिस करते रहे अपने इत्थे रहे हैगे रेजिडेंशियल अकैडमी दी हैगी आ साडी और चंडीगढ़ हॉकी अकैडमी गर्ल्स दे विच मोनिका शर्मीला ते रीना खोखर ये 3 लड़कियां साडी अकैडमी दे विच इन्हां ने वक्-वक् समय दे उत्ते इत्थे अपने 7 साल स्किल्स होन कीते ते उस तो उपरंत ये इंडियन टीम दा पार्ट बनिया और अज इंडिया नू ओलंपिक्स दे विच ना सिर्फ पार्टिसिपेट कीता बल्कि उत्थे मैडल विनर होए ने और माण वाली गल है। और उस तो उपरंत अंजू मौदगिल जो शूटिंग दे विच गई सी शी ऑलसो बिलोंग टू चंडीगढ़, सो ये प्लेयर साढ़े जिहड़े हैगे ओलंपिक्स दे विच गए ने जी। उन्हां दा मैच होना हैगा तो असीं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हाँ, उन्होंने भी वधिया गेम खेडी हैगी आ, बेसिक्स ना भुलण अपने, वधिया प्रैक्टिस उन्होंने की, हार्डवर्क किया, हुण उन्होंने एक संयम रखण दी लोड़ है, एक अपने आप नूं अपना अपना पीक जोड़ा हैगा उन्हां दा पीक परफॉर्मेंस आनी चाहिए आ 100% अपना बेस्ट वो देन और असी आस करते हो देंगे और सानू पूरी आस है कॉन्फिडेंस है कि वह भी लड़कियां ने जिवें इंडियन बॉयज मैनस टीम ने वधिया परफॉर्म किया मैडल जितया उवें असी अपनी बेस्ट विशेज दें कि वह भी मैडल जितने। उन्हों का भी स्पोर्ट्स पॉलिसी साड़ी हैगी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी कैश अवार्ड पॉलिसी है, वो मुताबक असी अपने प्लेयर ढुकवें ऑनर देवे इनाम देवे। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।